अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं पोहा नमकीन चूड़ा, जो कि आप इसको स्नैक्स टाइम पर खा सकते हैं, छोटी मोटी भूख लगने पर खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का ये घर पर ही बनकर तैयार हो जाता है, जिसके लिए मैंने पोहा ले लिया है। एक थिन पोहा आता है और एक जाड़ा आता है, मैंने जाड़ा वाला पोहा लिया है। इस कप से 4 कप पोहा ले लिया है। 1 कप मैंने मूँगफली ली है, 1/2 कप मैंने ये सूखा वाला कोकोनट लिया है, इसको मोटा मोटा सा काट लिया है। 4 हरी मिर्चों को कट कर लिया है। 1 टीस्पून हल्दी ली है, 2 टीस्पून सॉल्ट लिया है और कड़ी पत्ते लिए हैं। कड़ी पत्ते इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है पोहे के चूड़े में। तो चलिए हम बनाने के लिए चलते हैं। सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे, उसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना है। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए, उसमें सारे पोहों को डाल देना है और उसको रोस्ट कर लेना है। अगर आप फ्लेम को हाई कर दोगे तो पोहे का कलर चेंज हो जाएगा, पोहे का कलर हमें वाइट ही रखना है। सिर्फ इसको क्रिस्पी होने तक ही हमें रोस्ट करना है, तो इसको क्रिस्पी होने तक रोस्ट कर ले। आप हाथों की मदद से इस तरीके से तोड़कर चेक कर सकते हैं, ये देखिए चूरा चूरा हो रहा है, बहुत ही क्रिस्पी सा ये रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं बोल में। अब कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब इसमें हम मूंगफलियों को रोस्ट कर लेंगे, इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी, वो भी फ्री में। तो मूंगफलियों को ये देखिए अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। इनके छिलके भी ये तड़क रहे हैं और इनके छिलके निकलना शुरू हो चुके हैं, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि ये भुन चुके हैं, ये देखिए ये 2 हिस्सों में अलग हो चुके हैं, मतलब मूंगफली हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं। अब सेम ऑयल में हम कोकोनट को रोस्ट कर लेंगे। अब कोकोनट को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। सारी चीज़ों को हम एक एक करके अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ऑयल में। ये सारी चीज़ों को रोस्ट करने से ये होता है कि चूड़े की लाइफ टाइम बढ़ जाती है, वो ख़राब नहीं होता है, ज़्यादा टाइम तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए कोकोनट को हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है, इसको भी निकाल लेंगे। और उसी तेल में हम हरी मिर्चों को भी फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्चों को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका गीलापन ख़त्म हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए हरी मिर्चों को आप तोड़ कर देख सकते हैं, इस तरीके से क्रिस्पी हो चुकी है, सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम करी पत्तों को डाल देंगे और इसको भी तड़कने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही इजी है पोहे का चूड़ा बनाना, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है और बहुत आसानी से बन जाता है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि हर चीज़ों को अच्छी तरह से आपने रोस्ट करना है। तो कड़ी पत्ते भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हल्दी और नमक ऐड कर देंगे। सॉल्ट आप चेक कर लें, अगर आपको कम लग रहा हो तो आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। हल्दी को हल्का सा पका लें तेल में, इससे ये होता है कि कच्ची सी स्मेल जो होती है हल्दी की वो नहीं आती है। अब कोकोनट ऐड कर देंगे, मूंगफली जो हमने फ्राई की थी उसे भी ऐड कर देंगे। इन सबको हल्का सा मिक्स कर देंगे। अब इसमें पोहे को ऐड कर देंगे जो हमने रोस्ट करके रखा था, और इसे मिक्स करते जाना है। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे जब तक सारे पोहों पर एक जैसा कलर ना आ जाए, तब तक हमें मिक्स करना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लुक वाइज तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है और मज़ेदार सा क्रिस्पी सा हमारा पोहा चूड़ा बना है। आप देख सकते हैं मेरे उठाने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना मज़ेदार इसका टेक्सचर आया है।
तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए बहुत क्रिस्पी सा बनके तैयार हुआ है, देख सकते हैं आप। घर पर ही आप बाहर जैसा पोहा नमकीन बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, हमारा पोहा नमकीन बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसको एक महीने के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, 1 से 2 महीने ये बिल्कुल अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।